हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके बीच। आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्यों जो है 9/11 इज वेरी इम्पोर्टेंट। आज इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने जा रहे हैं और बोर्ड रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम कुमार राय और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एडुकेशन चैनल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्यों 9/11 इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये मेरा कुछ खुद का जो है पॉइंट ऑफ व्यू है, खुद का जो है पॉइंट्स है, तो आप इसको अच्छे से समझिए। तो क्यों 9/11 इज वेरी इम्पोर्टेंट? बहुत सारे बच्चे जो 9 में आने वाले हैं और जो 11 में आने वाले हैं, वे सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम ही सब कुछ है, बोर्ड एग्जाम में जो है हम लोग बहुत मेहनत करेंगे। लेकिन ये बहुत गलत है। अगर आप 9/11 में अच्छे मेहनत करेंगे तो आपका जो है बोर्ड रिजल्ट भी अच्छा होगा। अगर जो है आप अच्छे कंसेप्ट जो है क्लियर करेंगे तो आपका बोर्ड रिजल्ट में बहुत हेल्पिंग होगा। द फर्स्ट पॉइंट, इट इज क्लियर कंसेप्ट फॉर फर्दर। अगर जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप कुछ कंसेप्ट 9 में पढ़ते हैं तो वो ट्रांसफर होके जो है 10 में जाता है। जैसे कुछ कंसेप्ट आप पढ़ा 9 में तो वो 10 में भी पढ़ने को आपको मौका मिलेगा। ओके, तो इससे क्या हुआ, क्लियर कंसेप्ट होगा। तो अगर आप 9/11 में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका जो है 10 में भी सपोर्ट होगा। तो 9/11 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, इट इज सपोर्ट फॉर बोर्ड एग्जाम। सपोर्ट फॉर बोर्ड एग्जाम, देखिए अगर आप अच्छे क्लियर के साथ 9/11 जो है अच्छे मार्क्स के साथ पास होंगे तो आपका जो है क्लियर कंसेप्ट भी होगा। क्लियर कंसेप्ट होगा तो जो बोर्ड रिजल्ट आने वाला है 10 जब आप देंगे तो उनसे जो है आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपका जो है टीचर पढ़ाएगा तो आप रिलेट करेंगे, हाँ मैंने जो ये 9 में पढ़ा है तो मुझे जो है अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्लियर कंसेप्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम। ओके, द थर्ड, इट इज अचीव गुड मार्क्स इन बोर्ड रिजल्ट। अगर आप 9 में अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे तो आपका टीचर, आपका पेरेंट्स सोचेगा कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। ओके, तो आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। तो इससे जो 9/11 में आप जो है जमकर पढ़ाई कर दीजिए, जमकर जो है मेहनत कीजिए ताकि जो है आपका बोर्ड रिजल्ट में भी अच्छा हो सके। ओके, थर्ड, इट इज गेन नॉलेज। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि 9/11 जो है एक ऐसे ही क्लास है, इसमें हम लोग पास हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ये गलत है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं जो है बेटर रिजल्ट के लिए कर रहा हूं, मैं जो है नाम रोशन करने के कर रहा हूं, मैं जो आप ये सोचिए कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं। मैं ना ही जो है बेटर रिजल्ट के लिए पढ़ रहा हूं, मैं जो है नॉलेज के लिए पढ़ रहा हूं, मैं जो है गेन नॉलेज, मुझे कुछ सीखने की मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं कुछ सीख पा रहा हूं। तो ये सोचिए ताकि जो है आपका डेवलप हो सके। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे जो है नाम रोशन करना है, मैं ज्यादा मार्क्स लाऊंगा तो मेरा नाम जो है बहुत फेमस होगा, ये बिल्कुल मत सोचिए। ओके, बेटर रिजल्ट साइन द बेटर अंडरस्टैंडिंग। यस, अगर आप जो है 9/11 में कुछ मेहनत करते हैं तो वो मेहनत आपको दिखाई देगा बोर्ड एग्जाम में। जैसे कि आप 21 हैबिट आप सुने होंगे कि 21 करने से जो है वो हैबिट हो जाता है। तो अगर आप 9/11 में भी कुछ हैबिट बना लेते हैं, पढ़ने की हैबिट, ओके रीडिंग हैबिट, तो ये हैबिट भी जो है ट्रांसफर होगा 10-12 में। अगर आप 6 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं तो ये भी जो है पढ़ने का जो है मोटिवेट मिलेगा 10-12 में भी। ओके, तो ये एक आप हैबिट अभी से बना के रखिए ताकि जो है 10-12 में आपका काम आ सके। ओके, पास, लास्ट, द लास्ट पॉइंट इज पास। अगर आप 9 और 11 पास होंगे तब तो बोर्ड एग्जाम देंगे। तो आप बोर्ड ही एग्जाम सब कुछ है ये बिल्कुल मत सोचिए। आप सोचिए कि मैं जो है 9 सभी क्लासेज जो है अच्छे से पढ़कर, अच्छे जो है नॉलेज के साथ, अच्छे से जो है गुड मार्क्स अचीव करके मैं पास हूंगा। अगर आप 9 अच्छे करेंगे तो ऑफकोर्स आप जो है बोर्ड एग्जाम भी अच्छे करेंगे। तो आप जो है अपने को मोटिवेट कीजिए, बिकॉज जो है अभी के टाइम में जो है बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस में है। ओके, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम के जो है रिजल्ट आने वाला है,
ओके, इन सारे बच्चों को जो है बहुत सारे टेंशन हो चुका है, तो कैसा मेरा रिजल्ट आएगा, तो उन लोगों को जो है मोटिवेट होना पड़ेगा ताकि जो है उनका डेवलप हो सके। ओके, तो 9 और 11 इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि ये जो है मैं पास हो जाऊंगा। आप जो है मेहनत, लगन, अपने पेरेंट्स की जो है विश्वास रख के जो है अपने को पढ़ने में लगाइए, ताकि जो है आप कुछ कर सके, आप कुछ बन सके, आप जो है मोटिवेट रहिए। ओके, तो बोर्ड एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है मैं मानता हूँ, और जो है सभी क्लासेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये बहुत हेल्पफुल हो वीडियो, और अपने को जो है आप अपने जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, आप जो है मोटिवेट रहिए, ताकि आने वाला फ्यूचर आपके लिए सही हो। आप 9-11 का पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर चुके हैं, तो आज से जो है 1 घंटा एटलीस्ट आप पढ़िए, ताकि जो है आने वाला कल आपके लिए अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।